नंबर इज मिस्टेकनली मल्टीप्लाई बाय 7/5 इंस्टेंट ऑफ बींग मल्टीप्लाई बाय 3/2 वॉट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक. ओके, एक नंबर है मिस्टेकनली मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 7/5 से. ओके, लेकिन इंस्टेंट ऑफ बींग मल्टीप्लाई बाय 3/2 तो इसमें ये माइनस कीजिए तो जो ओरिजिनल मल्टीप्लाई करना था मिस्टेक हो गया था वो निकल जाएगा. नीचे क्या करना है, नीचे जो ओरिजिनल मल्टीप्लाई करना है वो लिखिए. ओके, आप इसको कीजिए एलसीएम कीजिए तो क्या 5 × 5 = 10 आ जाएगा. 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 14 = 1 × 10 हो जाएगा. एलसीएम करने था ऊपर का बोल रहा हूँ मैं, 1/10 हो जाएगा. और ये अगर ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा. बोला है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज के लिए 100 कैलकुलेशन कर कीजिए जो आंसर आएगा वही होगा आपके आंसर. 0 0 कैंसिल, 20 हो जाएगा. 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 2/3%. ये मेरा आंसर होगा. थैंक यू.